हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है एक सितंबर 2024 और देखने वाले हम इस वीडियो में आज के करंट न्यूज़ को। ठीक है, करंट न्यूज़ जो है प्रश्न है सभी, और ये गौर करने वाला प्रश्न है, यानी कि आपके दिमाग का इसमें यूज होना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरे सभी प्रश्न का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। और मैंने हल भी इसमें बताया गया, हल भी दिया है कि कौन सा आंसर है और कैसे है, तो वो भी बताया है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर एक, भारत में लॉन्गिट्यूडियल एजिंग स्टडी के अनुसार 4 में से 1 से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य संबंधित खर्च को मानते हैं। नंबर दो, सीनियर एबल सिटीजन फॉर रिकॉन्स्टेबल रीएलमेंट इन डिग्रिट एक IT प्लेटफॉर्म है जो वरिष्ठ नागरिक रोजगार चाहने वालों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। आइए कैसे होगा तो जानते हैं। विश्लेषण, भारत में लॉन्गिट्यूडियल एजिंग स्टडी के अनुसार 4 में से 1 से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य संबंधित खर्च को मानते हैं, अतः कथन एक सही है। सीनियर एबल सिटीजन फॉर रिकॉन्स्टेबल इन डिग्रीज SECRED एक IT प्लेटफॉर्म है जो वरिष्ठ नागरिक रोजगार चाहने वालों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाता है, अतः कथन दो सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उच्च शिक्षा संस्थानों में सेवानिवृत्ति पेशेवरों सहित विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अवधारणा पेश की गई है, अतः कथन तीन सही है। यानी कि सभी कथन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हमने जो आपको बताया पहले वो गलत था, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। होमनाइट्स खोपड़ी मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, इसका निर्माण एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करके किया जाता है। नंबर दो, इस मॉडल का आयाम 200 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर है और वजन 800 ग्राम है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों। आइए कैसे। हाल ही में इसरो में ह्यूमनॉइड्स खोपड़ी मॉडल की डिजाइन को पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, बता दें कि ह्यूमनॉइड्स खोपड़ी इसरो की इंसालिया सिस्टम यूनिट द्वारा तैयार की गई है। हुमायूं खोपड़ी मॉडल के बारे में, इसका निर्माण एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करके किया जाता है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि एल्युमिनियम मिश्र धातु अपने उच्च लचीलेपन, हल्के वजन, गर्मी प्रतिरोध और यांत्रिक गुणों के लिए जानी जाती है। इस मिश्र धातु का उपयोग आमतौर पर ऑटोमेटिक इंजन और एयरोस्पेस घटनाओं को बनाने के लिए किया जाता है। इसका मॉडल आयाम 200 मिलीमीटर × 200 मिलीमीटर है और वजन 800 ग्राम है, अतः कथन दो सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हैजा से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक जानलेवा संक्रामक रोग है। दो, यह विक्रियोक्लोरी जीवाणु के आंत के संक्रमण के कारण होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताएं। आइए हम पहले विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने हैदराबाद में हेजा के लिए सिंगल स्ट्रेन ओरल हेजा वैक्सीन लॉन्च की है। इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL एवं हिलेमेन लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित किया गया है। इस वैक्सीन का नाम हिलकॉल रखा गया है। हेजा के बारे में जानते हैं। यह एक जानलेवा संक्रामक रोग है, अतः कथन एक सही है। यह मुख्य रूप से जीवाणु दूषित जल या भोजन के माध्यम से लोगों में फैलता है। यह विक्रियोक्लोरी जीवाणु से आंत के संक्रमण के कारण होता है, अतः कथन दो सही है। इसके संक्रमण का असर हल्का या लक्षणों के बिना होता है, परंतु कभी कभी यह गंभीर भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भगवान मुर्गन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, भगवान मुर्गन जिन्हें कार्तिकेय शांत या शुभ ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता है। नंबर दो, यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं जिन्हें 6 मुखों के साथ चित्रित किया गया है तथा उनकी सवारी मोर है। नंबर तीन, मुर्गन तमिलनाडु के
प्रमुख हिंदू देवता है और उन्हें केवल भारत में ही पूजा जाता है। उपयुक्त में से कितनी कथन सही है या है? केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी कोई भी नहीं। तो बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा बी केवल दो। ठीक है, आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। भगवान मुर्गन जिन्हें कार्तिकेय, संकद या शुभ ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता है, अतः कथन एक सही है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र है जिन्हें 6 मुखों के साथ चित्र किया गया है तथा उनकी सवारी मोर है, अतः कथन दो सही है। मुर्गन तमिलनाडु के प्रमुख हिंदू देवता है और उन्हें भारत, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप तथा श्रीलंका के अन्य हिस्सों में भी पूजा जाता है, अतः कथन तीन सही नहीं है। यानी कि एक और दो कथन सही है। तो देखिए, एक और दो कथन किस में है? केवल दो और केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काहे कि तीन तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं और एक होगा नहीं, दो कथन सही है तो केवल दो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंथेटिक्स बायोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और बायो कंप्यूटिंग के प्रगति का लाभ उठाकर नए जैविक सिस्टम विकसित करती है। नंबर दो, दशक के अंत तक सिंथेटिक बायोलॉजी विशेष उत्पादन का एक तिहाई से अधिक हिस्सा होगी, जिसका मूल्य लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। नंबर तीन, इसका उपयोग स्वास्थ्य, सौंदर्य, फैशन, वस्त्र, खाद्य, कृषि साथ ही खनन और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या है? केवल एक, बी केवल दो, सी केवल सभी तीन और डी कोई भी नहीं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो कंप्यूटिंग में प्रगति का लाभ उठाकर नए जैविक सिस्टम विकसित कराती है, जिन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन एक सही है। दशक के अंत तक सिंथेटिक्स बायोलॉजी वैश्विक उत्पादन एक तिहाई से अधिक हिस्सा होगी, जिसका मुख्य लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, अतः कथन दो सही है। सिंथेटिक्स बायोलॉजी के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में है, जिन्हें स्वास्थ्य, सौंदर्य, फैशन, वस्त्र, खाद्य, कृषि साथ ही खनन और निर्माण शामिल है, अतः कथन तीन सही है। इसका मतलब एक, दो और तीन सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी तीन। तो आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमोदित दवाओं के लिए भारत में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकताओं को माफ कर दिया। दो, यह टूट जिसमें महामारी की स्थितियों में उपयोग की जाने वाली नई दवाएं शामिल नहीं है। देश में MVABN जैसे महत्वपूर्ण टीकों की उपलब्धता में कमी आएगी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? एक, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में स्वीकृत दवाओं के लिए भारत में नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता को माफ कर दिया है, अतः कथन एक सही है। इस छूट में महामारी की स्थितियों में इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाई शामिल है, जिससे देश में MVABN जैसे महत्वपूर्ण टीकों की उपलब्धता में तेजी आएगी, अतः कथन दो सही नहीं है। यानी कि इसका कथन केवल एक सही है, जो पहला नंबर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, फसलों के लिए बीमा सेवाएं प्रदान करना, बी डॉक्टरों से दूरी से परामर्श के लिए लिमिटेशन सेवाएं प्रदान करना, सी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, डी कृषि सब्सिडी के लिए डिजिटल लेन देन को समक्षित बनाना। ठीक है, आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। ई संजीवनी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समानता की दिशा में एक कदम है। यह डॉक्टरों के साथ दूरस्थ परामर्श के लिए लिमिटेशन सेवाएं प्रदान करता है। ई संजीवनी स्मार्टफोन आदि से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित तथा आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, डॉक्टरों से दूर से परामर्श के लिए लिमिटेशन सेवाएं प्रदान करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेमू क्या है?
नमो ड्रोन दीदी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण महिलाओं को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों के लिए ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर दो, इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को उनकी आय बढ़ाने के लिए साधन और मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। नंबर तीन, ड्रोन की खरीद पर महिलाओं को सब्सिडी प्रदान की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए, केवल एक और दो। बी, केवल दो और तीन। सी, केवल तीन। डी, एक दो और तीन। तो आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। नमो ड्रोन दीदी पहल। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को फसल निगरानी, उर्वरक का छिड़काव और बीज बोने जैसे कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए साधन तथा मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अतः कथन दो सही है। ड्रोन की खरीद पर महिलाओं को नहीं बल्कि महिला एवं स्वयं सहायता समूह को सब्सिडी प्रदान की जाती है। अतः कथन सही। तीन सही नहीं है, यानी कि एक और दो कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक और दो दोनों सही है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर में कम से कम एक डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त व्यक्ति तैयार करना है। दो, इसे केवल आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को IT प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तीन, डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, तीन। और डी, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। आइए देख लेते हैं विश्लेषण। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक घर में कम से कम एक डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त व्यक्ति तैयार रहना है। अतः कथन एक सही है। इसे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं या अधिकृत राशन डीलरों सहित 6 करोड़ लोगों को IT प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था ताकि गैर डिजिटल रूप से साक्षर नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। अतः केवल दो सही नहीं है। अतः कथन दो सही नहीं है। डिजिटल साक्षर का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। अतः कथन तीन सही है, यानी कि एक और तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल दो, यानी कि केवल दो गलत है। इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न आज का। मेघदूत ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। बी, कृषि उपज के लिए ऑनलाइन बाजार समक्ष करना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। डी, स्कूली छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।